हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल पावर ऑफ हर्ब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत में पहुंचा सकूं। आज मैं आपको एलोवेरा के चंद फ़ायद बताने जा रहा हूं। वैसे तो एलोवेरा के बहुत सारे फ़वाद हैं, लेकिन आज मैं उनमें से चंद एक का आपके सामने ज़िक्र करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी जिल्द ड्राई हो गई है तो उसके लिए आपको एलोवेरा को काट कर उसके अंदर का गूदा निकाल कर उसको अपने चेहरे पर मसाज करना है। तकरीबन एक हफ्ते में आपका चेहरा बिल्कुल नरम और मुलायम नज़र आने लगेगा। उसके बाद आजकल के मौसम में आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके लिए रोज़ाना सुबह एक चम्मच एलोवेरा का गूदा खाने से आपके मसल पहले से काफ़ी गुना बेहतर होंगे। उसके बाद अगर आपको जोड़ों की दर्द है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उसके लिए आप रोज़ाना एक चम्मच एलोवेरा का गूदा खाने से जोड़ों का दर्द नहीं रहता। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आपको अगर कोई कैंसर है तो उसके लिए आप अगर एलोवेरा खाते हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा शिफा है। एलोवेरा को दरमियान से काट कर मुंह पर मसाज करने से आपकी एक्नी और पिंपल्स के निशानात गायब हो जाते हैं और इसका फ़र्क आपको 15 से 20 दिन में नज़र आने लगेगा। अगर आपको मैदे की तेजाबियत रहती है और आपका खाना हजम नहीं होता तो एलोवेरा खाने से आधा घंटा कबल एक चम्मच खाने से आपको मैदे की प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर आपके मुंह में बदबू रहती है, कीड़े पड़े हुए हैं दांतों में, तो एलोवेरा पानी में मिलाकर कुल्ली करने से आपके मुंह के जरासीम भी मर जाते हैं और आपका मुंह तरोताज़ा हो जाता है और एक नेचुरल सी खुशबू आने लगती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो एलोवेरा का गूदा लगाने से आपकी डैंड्रफ भी नहीं रहती और इसका फ़र्क आपको हफ्ता 10 दिनों में नज़र आने लगेगा। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जल्दी बीमारी है, तो एलोवेरा खाने से और उस जगह पर लगाने से आपका वो इन्फेक्शन दिनों में ठीक हो सकता है। अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो एलोवेरा आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। जैसा कि आजकल के ज़माने में कोलेस्ट्रॉल घटने का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, इस बीमारी से बचने के लिए आप रोज़ाना एलोवेरा के इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बरकरार रहता है और कंट्रोल में रहता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से आपके जिस्म में खून की सर्कुलेशन स्टेबल रहती है। अगर आप शुगर के मर्ज में मुबतला हैं तो एलोवेरा रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल भी बरकरार हो सकता है। एलोवेरा के रोज़ाना इस्तेमाल से आपका पीएच लेवल भी बरकरार रहता है। आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा मंद एलोवेरा का इस्तेमाल है। एलोवेरा के रोज़ाना इस्तेमाल से आपका वेट दिनों में कम हो सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।